क्लिक तो कर लियो इस वीडियो को, पर क्या आपके अंदर हिम्मत है जो भी मैं इस वीडियो में बताऊं वो कर पाओ? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखो, वरना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अभी क्विट कर दो। तो इसी जोश के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस शानदार मोटिवेशनल वीडियो में। आने वाला 6 मिनट आपके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखो। महान लोग पैदा महान नहीं होते हैं, बल्कि कई मुश्किलों से लड़कर, अपने फेलियर का सामना करके, जीवन में कभी ना हार मानकर रोज कुछ नया सीखकर महान बनते हैं। इसलिए आपकी महानता इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आज तक आपने क्या किया, परंतु इस बात पर जरूर करती है कि आज आप क्या कर रहे हो। जितने भी महान लोग हैं, इनकी एक बात कॉमन है कि इनकी सोच ही इतनी बड़ी होती है कि ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। मेरे इस बात पर थोड़ा गौर करना कि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जिनके सपनों में नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाना है इस जुनून में दम होता है। थॉमस अल्वा एडिसन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार करने में सफल रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि आपको हजारों बार फेल होकर कैसा लगा, तब उन्होंने जवाब में कहा कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने हजारों ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। अगर उनके जगह कोई और रहता तो 2 से 3 बार फेल होने के बाद यकीनन 4थी बार हार मान लेता, क्योंकि लोग कहां पर गलती करते हैं, क्या कमी रह जाती है, इस पर विचार न करके उन्हें तो जल्दी सक्सेस चाहिए होती है। इसीलिए तो 2 से 3 बार फेल होने के बाद उस फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में ध्यान देने लगते हैं। मेरे इस बात को याद रखना कि 100 जगह पर थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदने से नहीं, बल्कि एक ही जगह पर थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदते रहने से पानी निकलता है। ठीक उसी तरह जीवन में जगह जगह प्रयास करने से नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करने से सफलता मिलती है। आप मुझसे वादा करो कि चाहे जिंदगी में कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने ही बार क्यों ना फेल हो जाओ, पर आप कभी हार नहीं मानोगे, अपनी तय की हुई मंजिल को नहीं बदलोगे, आने वाली हर मुश्किलों का सामना करोगे। क्या लगता है आपको, कोई इंसान ऐसे ही महान बन जाता है? अरे ना जाने कितना परेशानी झेलता है, कई बार फेल होने के बाद भी पीछे नहीं हटता है, हार नहीं मानता है। जिस चीज को एक बार ठान लिया हो, उसे जब तक पूरा ना कर ले तब तक लगातार मेहनत करता है। जैसा आप सोचते हो उतना आसान नहीं है इतिहास रचना, रातों की नींद गवाकर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जब तक चीजों को करने का संकल्प नहीं लोगे, खुद से चैलेंज नहीं करोगे, तब तक भूल जाओ कि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव होने वाला है। अगर 100 लोगों का एग्जाम चल रहा है जिसमें आप भी शामिल हो और आप उसमें टॉप करना चाहते हो, तो इसका एक ही उपाय है, आपको उन 100 लोगों से ज्यादा मेहनत करना होगा। फिर सोचो जिंदगी के रेस में कितने लोग भाग रहे हैं, आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और आपको कितना ज्यादा मेहनत करना है। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा कहे गए इस बात को हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में सेट कर लेना कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, उनमें से 99% गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते थे। इसलिए आज अगर आपको वो तमाम चीजें मिल रही है, तो उन ऐसो आराम की जिंदगी जीकर खुद को आलसी मत बनाओ। हर पल नई चीजों को सीखने के बारे में सोचो। जो इंसान कष्ट सहता है, उसी के अंदर हिम्मत होती है कुछ बड़ा कर गुजरने की। हर कोई जानता है कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है। आप भी जानते हो आपके आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से अच्छा है खुद की कमियों को दूर करो। वक्त के साथ चलना सीखो। हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहो। चीजों को बदलना चाहते हो, जीवन में बदलाव चाहते हो, तो पहले खुद को बदलो। आप जिस एज में हो, उस एज के काबिल लोगों को देखो। देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करो। आप ही के एज के लोग मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? सवाल करो खुद से। एक अच्छा सवाल ही आपको एक अच्छा जवाब दे सकता है। आप अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को देखो। उनकी जिंदगी अच्छी क्यों है? उन्होंने ऐसा क्या किया? शायद आप उनके जैसा ना कर पाओ, पर कुछ तो सीखोगे, कुछ तो आइडिया आएगा आपके माइंड में। खुद के पास बुक्स ना होकर भी दूसरों के बुक्स को बेंडिंग कर पढ़ाई करके, दूसरों के यहाँ काम करके, ना जाने पुराने जमाने के कितने ऐसे लोग महान वैज्ञानिक बन चुके हैं। बस मन में सीखने का जज्बा होना चाहिए। आप उड़ती हुई पक्षी से भी सीख सकते हो कि सफलता खुद चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, परंतु उसके घोंसले में नहीं। एक पक्षी भी जब भोजन के तलाश में निकलती है, तो उसे भोजन जरूर मिलती है। अगर आप भी चीजों की तलाश में निकलोगे, मंजिल की तलाश में निकलोगे, तो यकीनन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। अगर मंजिल मिलने में वक्त लग रहा है, तो रुको मत, आगे बढ़ते रहो। एक बार जब आपने ठान लिया, अपना गोल सेट कर लिया, तो फिर कोई ताकत आपको मंजिल तक जाने से नहीं रोक पाएगी। शर्त यह है कि आप चाहे मंजिल का रास्ता बदल लो, पर मंजिल नहीं। आए दिन आपको कई लोगों के बारे में सुनने को मिलता होगा कि उसने ये किया और फेमस हो गया, उसने ये चीज करके सफलता पा लिया। आप भी सोचो, आप क्यों नहीं कर सकते हो ऐसा? चीजों को आसान समझोगे तभी कुछ कर पाओगे। मुश्किल समझकर छोड़ देने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला।
मैं चाहे आपको जितना भी बोल लूं, मैं सिर्फ आपको प्रेरित ही कर सकता हूं, मगर करना आपको खुद ही है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बी मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।